दे बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की अपार अपार बख्शिश हुई है, निरंकार ने उद्दम बख्शिया है। सतगुरु साहिबान टुटे हैं जो आपू धन 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 साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गोद सतसंगत जुड़ के बैठन का यह सुभाग प्राप्त होया है। वडभागे हम कुछा कुटान कोर धनवाद है सतगुरु जी का, जिन्हां ने रहमत करके अपनी गोद विच बैठन का यह सुभाग बख्शिश किया है। सतगुरु जी तो हमेशा ही तुठे ने, साडियां कमियां उणताइयां नूं सतगुरु जी तो हमेशा ही माफ करते ने, पर कदों जदों आपां उन्हां दे बन जाइए। सब अवगुण मैं गुण ही कोए, क्यों कर कंत मलावा हो। तो गुरु प्यारी साध संगत, सबना भली प्रकार पता है कि जो संसार भर में करोना वायरस की बीमारी फैली है, उसकी रोकथाम वास्ते जो किरती किसानों के संघर्ष में सफलता प्राप्त करने वास्ते सतगुरु जी के चरणों का ओट आसरा लिया गया, सतगुरु जी की बाणी का ओट आसरा लिया गया। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई, सर्व रोग का औखद नाम तप लाया गुर सरजर हार, सतगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। तीने ताप नवारण हारा दुख हंता सुख रास, ताको बिघन को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। सब तो वड्डी कृपा बख्शिश जो गुरु दे चरणां दे विच बेनती जोदड़ी अरदास करानी, गुरु बख्शिंद है। गुरु हमेशा बख्शिशा ही करता है, पर कदों जदों आपां गुरू दे चरणां विच आ के टै पैंदे हाँ, अपना आप निसावर कर देंदे हाँ, फिर अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे। जय जय काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावे। और फिर गुरु आप कृपा बख्शे करता है। ये जो 22 मार्च पिछले साल तो लड़ी प्रारंभ हुई, तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और हर गुरपुरब मनाया जाता है। हुण धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का जो 400 साल आगमन पुरब संसार भर में मनाया गया, और अकाल तख्त साहब वालों हुक्म होया कि ये साल भर इस तरह ही आपां मनाउणा करना है, और नानक साहिब दे विच ही ये रोजाना ही ये साल भर जो 400 साल आगमन पुरब मनाया जाएगा। श्री खंड पाठ साहिबां दे भोग पए उपरंत सतगुरु जी ने बख्शिश की, हुक्मनामे बख्शे सोठ महला पंजवां। गुर पूरे कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हंभारी। जदों पूरा गुरु कृपा बख्शे दे घर विच आ जावे, बख्शिश कर देवे, ते फिर साडा आया भी इत्थे तां ही सफला है। साडी लोचना है, जो कामना है, वो सतगुरु जी फिर पूरी कर देने। गुर पूरे कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी, कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निश तरिए, उठत बैठत हर हर त्याइए, अन दिन सो किरत करिए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोविड भागी पाए। महापुरखों का यह मार्ग है कि दुनिया का भला करना, दुनिया से भला करने वास्ते आते ने। तो वो कोई विरले महापुरख ने जिन्हों बारे सतगुरु जी ने प्रमाण किया, कोटन में कहूँ जिन्हों सास ग्रास न विसरे हर नाम मन मंत, धन से ही नानका पूरन सोई संत। जिन्हों न विसरे नाम से कन्हैया, भेद न जाणो मूल साईं जे। वह कोटर में कूह की गिनती विच ने जिन्हां दे बारे सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोविड भागी पाए। कोट जन्म के किल विख नासे,
हर चरनी चित लाए। जदों पूरे गुरु के चरनी लग जाइए तो जन्मां जन्मातां दे जिहड़े पाप ने उन्हां तों निवृत्ति हो जाती। कोट जन्म के किल वेख नासे हर चरनी चित लाए। उस्तित करो सदा प्रभु अपने। उस प्रभु की आपां क्यों ना उस्तित करिए जो साढ़े ते इतनी रहमत करदा है, इतनी बख्शिश कर रहा है सतगुरु, तो क्यों ना उहदे गुण गान गाइए, क्यों ना उहदे गुण गायन करिए। उस्तित करो सदा प्रभु अपने, जिन पूरी कल राखी, जी जन सा भय पवित्रा सतगुर की सच साखी। जिहड़ा सतगुरु साडी इज्जत पत रख रहा है, हमेशा उसनों आपां याद रखिए, हमेशा उहदे गुण गायन करिए। सत बिघन बनासन सब दुख नासन, साडे बिघना दा नाश, दुखां कलेसां दा नाश कदों होवेगा? बिघन बनासन सब दुख नासन, सतगुरु नाम दृढ़ राया। जदों पूरे गुरु दे चरणी लग जावांगे, पूरे गुरु दे गुण गायन कर लवांगे, पूरे गुरु दा नाम जप लवांगे, तो सारे दुखां कलेसां तों सानूं छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, निवृत्ति मिल जाएगी। बिघन बनासन सब दुख नासन, सतगुरु नाम दृढ़ाया, खोए पाप भये सब पावन। सारे पापां तो निवृत्ति हो गई, तो सुखां दा वासा हो गया। कदों जो नानक सुख घर आया, जो प्रभु परमात्मा दा नाम साडे हिरदे विच प्रकाश हो गया, बख्शिश हो गई, तो उदों फिर सब कुछ बख्शिशां प्राप्त हो जांदियां ने। दूसरे हुक्मनामे विच वी सतगुरु जी ने यही प्रमाण किया है कि सोट महला पंजवां, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। अविनाशी जो नाश तो रहत है, जिसका पसारा हर जगह ते रमिया होया है, वह प्रभु परमात्मा जो काल तो रहत है। आपां सब काल विच आ, असी सब काल दे घेरे विच घिरे होए हाँ, ते काल तो कौन रहत है, किसते काल ने व्यापना? वह अकाल पुरख प्रभु परमात्मा, जिसनों अविनाशी कहा है। अविनाशी जीवन को दाता, वो प्रभु परमात्मा ही साड़ी रक्षा करने वाला परमेश्वर आप है। अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई, तो फिर उस प्रभु परमात्मा का क्यों ना आप सिमरन करिए, क्यों ना उसनों याद करिए, जिस याद करने नाल साढ़े दुखों कलेसा तो छुटकारा हो जाए, सानू पापा तो सानू मुक्ति मिल जाए, तो उस प्रभु परमात्मा नू आपां हमेशा याद करिए। अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। हे मेरे मना, उस प्रभु परमात्मा दा नाम तू जप क्यों नहीं, तू नाम जपदा? उस प्रभु परमात्मा दे गुण गायन कर, जिहदे गुण गायन करदे दे आल सारियां बख्शां प्राप्त हुंदियां ने। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाईए। जिहदी शरण आउण दे नाल सुखां दी प्राप्ति हुंदी है, जाकी शरण पया सुख पाईए, बहुत दुख ना होई। जिहदी शरण विच आउण दे नाल सुख प्राप्त होंदे ने, ये बख्शां प्राप्त होंदियां ने, ते दुखां तो छुटकारा हो जांदा है, दुखां तो निवृत्ति हो जांदी है। ते उस प्रभु परमात्मा दे आपां क्यों ना गुण गायन करिए, क्यों ना उसनूं याद करिए। उस प्रभु परमात्मा दे चरणी लग के उहनां दे चरणां चो बख्शिशां दे आपां पात्र बणीए, वो बख्शिश हासिल करिए। ये सतगुरु जी जो रहाओ दी पंक्ति विच बख्शिश कर रहे ने, अगे की प्रमाण करदे ने, वडभागी साध संग प्राप्त। वो पुरख वड्डे भागां वाले ने जो प्रभु दे चरणां विच गुण गायन करदे ने, प्रभु दे चरणां दे विच बैठ के संगत करदे ने, गुरु दी बख्शिश हासिल करदे ने, वो सतसंगत विच जुड़ के बैठते ने। जिस तरह के हुण भोग पै रहे ने, पूरे वर्ल्ड विच देश विदेशों विच संगत जुड़ी बैठी है, वो किन्ने वडभागे पुरश ने जो दुनिया के कोने कोने ते बैठ के इस वक्त भी प्रभु परमात्मा के गुण गायन कर रहे हैं।
ते सतगुरु जी दे चरणां विच हाजरी लगवा रहे ने। दास उन्हां गुरमुखां प्यारियां दा रोम रोम रीणी है, उन्हां दा कुटांड कोट धनवाद करदा है कि अज कल युग दा समा, कल युग दे ऐसे भयंकर समें दे विच जो इतनियां बीमारियां वध रहियां ने, हर पासे हाहाकार हो रही है, किसे पासे कोई राहत नहीं, कितना अज दुनिया दे विच हालात तब्दील हुंदे जा रहे ने, और मुल्कां दे विच किन्नी अबझटी फैली हुई है, किस तरह एक दूजे नूं नफरत, किस तरह अपने आप नूं अगे वधाउण दे खातर किन्ना कुछ हो रहा है, पर छुटकारा राहत और चढ़दी कला वह बख्श दे पात्र उही बनणगे जिहड़े गुरु के चरणों का ओटासा लैके चलणगे, जो गुरु के चरणों में टेक रख के चलणगे, वो हमेशा चढ़दी कला में रहणगे। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की कोई झेब ते कोई परवाह नहीं, क्योंकि सतसंगत विच ही बख्शिश सारी हुंदी है, ते वड्डे भागां वाले ही गुरमुख प्यारे सतसंगत विच जुड़दे ने, जिहदे पूर्व कर्म अंकर जा प्रगटे भेटियो, पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर, मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जाग। जदों किसी व्यक्ति का कोई पूर्वला कर्म जागता है, वह फिर फुरना बनता है सतसंगत में जाने, गुरु के चरणों में पहुँचने, जदों फुरना भी बन जाए उस वक्त उस जीव की हाजरी दरगाह के लग जाती है, रजिस्टर से नाम चढ़ जाता है। जदों घरों चल के गुरु घर पहुँचता, जितने कदम लैके आता गुरु घर वल, एक एक कदम दास उन्हों समेत जग का फल प्राप्त होंदा है। जदों गुरु के चरणों में पहुँच के शीश झुकाउंदा है, जिहड़ियां पापां दियां पंडां सिर ते चक्की फिरदा है सारे, जदों संगत में बैठ के सतगुरु जी दर्शन करता है, रसना तो कहिंदा सतनाम श्री वाहिगुरु, सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिहड़ी जन्मां जन्मात्रां दी मैल इहदे हिरदे नूं लगी, वो सारी मैल लह जाती है, मन निर्मल हो जाता, आत्मा पवित्र हो जाती। तो यह आख्या पूर्व कर्म अंकर जा प्रगटे भेट्यो, पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर, मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। जन्मा जन्मात्रा का मन जड़ा सुत्ता जाग पैंदा है। तो इस संगत नूं महानता दित्ती, गुरु के चरणों में पहुँचने में बख्शिश प्राप्त करने, ये वड्याईयां बख्शिश कीतियां ने। तां आख्या वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत कोई, वड्डे भागां दे नाल महापुरखां दा संग मिलदा है, महापुरखां दे संग विच बख्शिया होयां दी संगत करके दुरमत भाव भैड़ी मत दूर हुंदी है, गुरमत की प्राप्ति हुंदी है, ते गुरु की मत मर्यादा महापुरखों कोलों ही प्राप्त होती है। गुरु की मत आउण दे नाल नाम जपणू दिल करता है, सिमरन विच चित जुड़ जाता है। जिन्होंने गुरमत द्वारा आ के नाम की प्राप्ति की है, ते सतगुरु जी फरमान करते ने कि तिन की धूर नानक दास वंश है, कहिंदे मैं उन्हां दी धूड़ी चाहुंदा हाँ जिन्हां ने गुरमत द्वारा आ के नाम की प्राप्ति की है। कहिंदे तिन की धूर नानक दास वंश है, जिन हर नाम हृदय पर। सो वड्डे भागां वालियां नूं गुरु की बख्शिश संग सतसंगत प्राप्त होंदी है, मिलती है। तो आप देश विदेश जुड़ बैठी संगत सभनां नूं दास बेनती जोधड़ी अपील करता है कि वध तो वध सिमरन वाले पासे मन लाओ, नाम वाले पासे मन लाओ, गुरु दियां बख्शां और शीशां दे पात्र बनो। सब कुछ गुरु दे चरणों विचों मिलना है, सब कुछ जितनियां बख्शिशां ने गुरु दे चरणों विचों ही प्राप्त होनियां ने। सो गुरु दे चरणों विचों आपां बख्शिशां लैण वाले पात्र बनीए। सो संगत उन्हां गुरु प्यारियां दी करिया करो जिहड़े सानूं धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़दे ने, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नालों तोड़ के अपने मगर लाउंदे ने, उन्हां दी भुल के भी संगत नहीं कर रहे। अजकल दुनिया के बड़े पखंड चल रहे ने, बड़े दबी ते पखंडी नकली गुरु बने बैठते ने, जिहड़े कहिंदे ने कन्ना मुन्ना कर तो मेरा चेला ते मैं तेरा गुरु, बहुत मत फैल चुके ने। पर जो गुरु ने सानू सिद्धांत बख्श किया है, गुरु कलगीधर पातशाह जी
सचखंड जान लग्या सानू की हुक्म ला के गए आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। किंदे मेरा सिख जगत नु हुक्म है कि गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी नु मनना है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो किवें प्रगट गुरां की दे। किंदे जागत जोत समझ के गुरु दे चरणां दे विच सिर झुकाउणा है, जागत जोत समझ के मनना है, तो ऐसे दब्बी ते पखंडी लोकां तो आपां बचना है। ते उन्हां गुरु प्यारा दी संगत करो जिहड़े सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल जोड़दे ने, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी नाल तोड़ के अपने मगर लाउंदे ने, उन्हां दी भुल के भी संगत नहीं करनी। ते इस दर ये जो घर नानक सर स्थान जिस नानक सर भगती दा घर कहा जांदा है, इस संस्था दे बानी धन धन प्यारे बाबा आनंद सिंह जी जिन्हां ने सवास सवास सिमरन किया और उस अवस्था विच पहुँचते धन गुरु नानक पातशाह जी दे प्रतक दर्शन किए, भोग लवाए गुरु ग्रंथ साहब जी दे विचों, जागत जोत समझ के उन्होंने पूजा की। तो उन्हां दा यही उपदेश है कि आपां गुरु दे चरणां दे नाल लगना है, खंडे बाटे दा अमृत पान करना है, धन गुरु गोबिंद सिंह दे सपुत्र और सपुत्रियां बनदे दावेदार बनना है।